कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान से मोक्ष प्राप्ति के साथ साथ पापों का नाश होता है। हिंदू धर्म में इस दिन का खासा महत्व है। आज इस विशेष मौके पर भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में कार्तिक पूर्णिमा मनाई गई और लोगों ने आस्था के सागर में डुबकी भी लगाई। इस दौरान पड़ोसी राज्य झारखंड के सीमावर्ती जिलों के अलावे कई राज्य से भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट, हनुमान घाट, जहाज घाट, बुढ़ानाथ घाट सहित सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ उत्तर बाहिनी गंगा तट पर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। लोगों ने गंगा स्नान के बाद भगवान विष्णु की आराधना की और मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना के बाद इसके विशेष महत्व को भी बताया। हम लोग सुल्तानगंज देवीनाथ धाम में कार्तिक अमावस की कार्तिक वाले दिन में दिया जलाने के लिए यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु आए हुए हैं, ताकि सभी लोग इसका मनोरंजन का पूरा आनंद उठा सके। कार्तिक महत्व में इसका बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक पास सब मनोकामना गंगा में पूरा कर देते हैं, इसलिए महिलाएं खास करके उनकी मन्नतें पूरा हो जाती है। समझिए कि 4-5 स्टेट के यात्री हैं, इसमें बिहार तो है ही, फिर बंगाल है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के हैं, कुछ 4-5 स्टेट के यात्री हैं आए हुए। ऐसे कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण उस सबसे यहाँ कोई अंतर नहीं होता। कोरोना सबसे कोई दिक्कत कोई भीड़ का कोई दिक्कत। गंगा जी है, गंगा जी में कोरोना वोरोना चलने वाला है, ये सब तो फालतू। हालांकि कोविड-19 के संक्रमण के खतरों को लोगों ने नकारते हुए गंगा स्नान से मुक्ति की बात कही। वहीं भीड़ को नियंत्रित एवं जाम से निजात के लिए विक्रमशिला सेतु से लेकर गंगा घाट तक सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम दिखाई दिया। इसको लेकर नौगछिया और भागलपुर पुलिस संयुक्त रूप से तत्पर दिखी। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए खबरें आप तक लाइव। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।